ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. सबसे पहले मैं शुक्रिया और कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ मैगज़ीन को, वेडिंग वाउज़ को. एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी द कवर गर्ल एंड कवर स्टार ऑफ 7th एनिवर्सरी इशू ऑफ वेडिंग वाउज़. हमारी बहुत ही स्पेशल थीम है जिसे कहते हैं स्पाइसी थीम. एंड आप बहुत ही ब्यूटीफुल इंडियन अनारकलीज, इंडियन लहंगाज, इंडियन डिज़ाइनर्स आउटफिट्स में आप मुझे देखेंगे इस इंटायर लुक में वेडिंग वाउज के. एंड वी आर शूटिंग इन दिस सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन बाय हॉलीडे इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो या आई एम रियली हैप्पी एंड कांट वेट फॉर द शूट टू कम आउट. जी हाँ, इससे पहले मैं वेडिंग वाउज के संग पहले भी मैं कवर शूट कर चुकी हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि फ़ोटोशूट्स काफ़ी अच्छे निकल करके आते हैं. आई थिंक बींग एन इंडियन एक का बहुत ज़रूरी होता है कि एक इंडियन फ़ोटोशूट बाहर निकल कर आए. और वेडिंग वाउज इज़ जस्ट लाइक अ परफेक्ट मैगज़ीन जिसमें आप एक अपनी इंडियननेस को, एक भारतीय नारी जिस तरीके से परिधान पहनती है उस तरीके से यू कैन जस्ट यू नो क्रिएट सो मेनी लुक्स. जी, ये मेरी करियर की सबसे पहली फीमेल सेंट्रिक फिल्म है. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मेरे पहली वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है. जो कैरेक्टर है मूवी में ताशा, शी इज़ द मेन फेस ऑफ द फिल्म. वो एक फिल्म की मेन हीरो है. उसके इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस में कहानी घूमती है, उसके कैरेक्टराइजेशंस के आसपास कहानी घूमती है. सो हेट स्टोरी 4 इज़ पीपल हैव लव्ड इट सो मच. लोगों ने इतनी ज़्यादा पसंद करी इस करके हम पार्ट 4 तक आए हैं इस फ्रेंचाइज के. और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ जिस तरीके से हमारे ट्रेलर को इतना आप सभी ने इतना प्यार दिया और इतना सराहा. ट्रेलर में हम ऑलरेडी मोर देन 40 मिलियन हम क्रॉस कर चुके हैं यूट्यूब एंड डिजिटली फेसबुक एंड सारे सोशल मीडियाज़ में. और रही बात आशिक बनाए की, तो काफ़ी मेहनत की थी उस सॉन्ग को लेकर के. आई बिकेम द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू ब्रिंग इन हील्स कोरियोग्राफी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया. इंडिया में फर्स्ट टाइम हील्स कोरियोग्राफी हमने आशिक बनाए में की है. एंड आई फील वेरी प्राउड कि आई बिकेम द फर्स्ट एक्टर जो हील्स कोरियोग्राफी हॉलीवुड से बॉलीवुड लेकर के आ पाई.